आज हम लोग बनाते हैं ब्राउन केक और वो भी ओवन में 5 मिनट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने पिसी हुई चीनी ली है, ये आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी है। और इसमें हमने डाला है आधा कप जो है वेजिटेबल ऑयल। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हमने डाले हैं एग्स, तो आप 2 या 3 एग्स इसमें डाल दीजिए। इस तरीके से फोड़ के आप इसमें एग मिला लीजिए और इसको भी जो है डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक मिनट तक इस तरीके से मिक्स करना है। और अब हम इसमें रखेंगे छन्नी और इसमें हमने डाली है 1 कप मैदा। और अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच डाला है मीठा वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा। इसको डाल के आप अच्छे से इसमें छान लीजिए। जितना हम मैदा लेंगे उसका हमेशा हाफ ही ऑयल और जो है हमको शुगर लेना है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी जो है थोड़ी सी ज़्यादा रखें। और ये देखिए अच्छे से इसमें जो है छान लिया है हमने। और इसको छानने के बाद अब हम इसको सारी चीज़ों को अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें जो है इस तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें लम्स ना रहें। कि हमारा बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा है तो अब हम इसमें डालेंगे दूध, वो भी हमें आधा कप दूध लेना है। और इसमें ये मैंने कॉफ़ी के पाउच लिए हैं और इसमें जो है जो हमारा दूध है वो हमें जो है ठंडा दूध लेना है, गर्म दूध नहीं लेना है। ये देखिए 1/2 कप मैंने दूध लिया है और इसी में जो है कॉफ़ी के पाउच इसमें मिक्स कर लीजिए। डायरेक्ट अगर हम बाउल में डालेंगे तो उसमें जो है लम्स पड़ जाएंगे, लेकिन आप ये दूध में इस तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। ये 1 रुपए वाले पाउच आते हैं तो मैंने इसमें जो है 3 पाउच डाले हैं। इस तरीके से आप डाल दीजिए और इसको भी जो है जो हमारा बैटर है एग वाला उसमें हम इसको डाल के मिक्स कर लेते हैं। अब हमने इसमें डाला है चुटकी भर नमक, इसको भी डाल के मिक्स कर लीजिए अच्छे से। हमने इसमें डाल दी है 2-3 बूंदे वनीला एसेंस की, इसको भी डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा बैटर इस तरीके से रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको गाढ़ा नहीं रखना है। ये देखिए एकदम रेडी है। और अब हम जिस बर्तन में बनाएंगे उसमें अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और इसमें आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इसमें भी आप केक बना लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑयल लगाने के बाद अब हम इसमें बैटर डाल देते हैं और चला के इस बैटर को इसमें डाल देते हैं। बैटर जो है कम से कम हम जो है 45 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे। इसको आप 45 मिनट्स के लिए ढक के रख दीजिए। मिनट्स बाद ये देखिए हमारा बैटर इस तरीके से जो है फर्मेंट हो गया है। अब हम ओवन स्टार्ट करते हैं। तो ओवन मैंने 180 डिग्री पर सिर्फ 5 मिनट्स के लिए इसको सेट किया है। 5 मिनट्स के अंदर आप देखिएगा कितना बढ़िया और कितना फ्लफी हमारा जो है केक रेडी हो जाएगा। और ये देखिए धीरे धीरे स्टार्ट हो गया और टाइम भी आप देखिए तो 5 मिनट के अंदर ये हमारा ब्राउन केक बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। और ये देखिए कितना बढ़िया ये फूल रहा है। बस आपको जो है इसको सारी चीज़ें प्रिपेयर करके बस जो है 45 मिनट्स के लिए ढक के बाहर रखना है। उसके बाद ओवन में 5 मिनट के अंदर हमारा केक तैयार है। देखिए 5 मिनट हो गए हैं तो चलिए अब हम इसको खोलते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया कितना सुंदर लग रहा है हमारा केक, है ना। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको कम से कम हम जो है थोड़ा ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे। और ये देखिए थोड़ा ठंडा होने के बाद जो है पहले तो देखिए केक बढ़िया बन गया है। अब चारों तरफ से आप इस तरीके से इसको हटा लीजिए। और ये देखिए अब मैं इसके पीसेस काट के आपको दिखाती हूँ। थोड़ा गर्म है, अब थोड़ा और ठंडा होने पर इसके पीस काटिएगा ना तो बहुत अच्छा है। ये देखिए कितना फ्लफी कितना बढ़िया हमारा 5 मिनट के अंदर ओवन में केक एकदम तैयार हो गया है।
बहुत अच्छा बनता है। आप इस तरीके से कोई भी केक बना सकते हैं। ये तो मैंने ब्राउन केक बनाया है, आप जो भी केक चाहें बना सकते हैं। बस सारी प्रोसेस आपको क्या करना है, इसको जो है आपको कम से कम जो है 45 मिनट्स के लिए बाहर सारी प्रिपरेशन करके इसको ढक के रख दीजिए। और ये हमारा 5 मिनट के अंदर ओवन में देखिए केक कितना बढ़िया तैयार हो गया और कितना फ्लफी है। तो आप घर में जब मर्जी तब चाहें तो केक बना सकते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा ब्राउन केक। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।